हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से के महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे दिवाली से पहले बढ़ा हुआ डी और बोनस की बात की गई है। इसके अलावा यूपी टेट की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कल देर रात में पीएनपी के सचिव की तरफ से आदेश जारी किया गया, जिसमें स्पष्ट तरीके से एक दिन को और भी एक्सटेंड किया गया, क्योंकि सर्वर और रजिस्ट्रेशन करने में सर्वर की दिक्कतों की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कंप्लीट हो पाया है और एक दिन को एक्सटेंड कर दिया गया है। नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती का कोर्स भी हाशिए पर रोक दिया गया है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए खून से लिखा गया है, मुख्यमंत्री का पद क्या है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और भी तमाम अपडेट है विभाग से जुड़ी, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी, शिक्षा विभाग से जुड़ी सारी अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस और बढ़ा हुआ डी देने की तैयारी है, लखनऊ से संबंधित अपडेट है। प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली के पहले बोनस और महंगाई भत्ते की एक साथ सौगात देने की तैयारी है। शासन के वित्त विभाग ने बोनस का प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के लिए भेज दिया है। महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने अराजपत्रित कर्मचारियों को एक महीने का तदर्थ बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया है। पूर्व की तरह बोनस का 25% हिस्सा नगद और 75% GPF में भेजने का प्रस्ताव है। तदर्थ बोनस की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रस्तावित है। 30 दिन का बोनस 6,908 रुपये मिल सकता है। यदि कर्मचारियों को 25% ही नगद भुगतान किया गया तो बोनस के 6,908 रुपये में से 1,727 ही हाथ में आएंगे। ग्रेड पे 4,800 रुपये तक के 12,00,000 से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। एक नई बात सामने देखने को मिली है, शिक्षक निलंबन का आदेश जो है 24 घंटे में वापस किया गया है। ये प्रयागराज के शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी BSA, जो पूर्व में जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा कंपोजिट विद्यालय अकोड़ा कोंदियारा के सहायक अध्यापक कमल कुमार सिंह का निलंबन आदेश बेसिक शिक्षा प्राधिकारी या अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 24 घंटे के भीतर स्थगित कर दिया। कमल कुमार पर आरोप था कि उन्होंने प्रधान अध्यापिका सुषमा तिवारी को स्कूल का चार्ज हस्तगत नहीं किया। सुषमा कुमारी के विद्यालय का प्रभार लेने के बावजूद उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए खेल सामग्री खुद खरीदी, स्कूल के कार्यों में असहयोग किया, स्कूली अभिलेखों से छेड़छाड़ की और अनुशासन को भंग किया। इन आरोपों से घिरे कमल कुमार को निलंबित करने के बाद आरोप तथ्यहीन पाए जाने और खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से गलत संस्तुति किए जाने की जानकारी होने पर BSA ने निलंबन का आदेश वापस ले लिया है। ऐसी अपडेट है यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। दूसरी अपडेट की बात करें तो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने CM को खून से लिखा है पत्र। 22,000 रिक्त सीटों पर भर्ती की मांग को लेकर निशानगंज स्थित SCRT पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर भर्ती पूर्ण करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा कि वे 4 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वे योग्य अभ्यर्थी हैं, रिक्त पदों पर भर्ती पूर्ण हो जाएगी तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा। यह पत्र दिन भर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। वहीं 39 अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति की ओर, 45 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल की ओर पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। अभ्यर्थीपुर में हुई 68,500 में रिक्त 22,000 सीटों को 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जोड़कर भर्ती पूर्ण करने की मांग कर रहे हैं। NIVSR डीलर प्रशिक्षित आज करेंगे TT में आवेदन। हाईकोर्ट से अवसर मिलने पर अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाई गई है और 25 अक्टूबर तक 18,00,000 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TT के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIS से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED प्रशिक्षितों को आवेदन का मौका नहीं दिया गया था। इसके विरोध में कई अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए थे और कोर्ट गए अभ्यर्थियों को राहत मिलने पर उनके आवेदन लेने के विभागीय निर्देश हुए थे कि हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका निस्तारित कर NIS कोर्ट गए अभ्यर्थियों को राहत मिलने पर उनके आवेदन लेने के विभागीय निर्देश हुए थे कि हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका निस्तारित करते हुए NIS से दूरस्थ शिक्षा विधि से DLED सभी प्रशिक्षितों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब आवेदन लेने के लिए अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 26 अक्टूबर कर दी गई है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने UPTET के लिए आवेदन नहीं किया हो या सर्वर की दिक्कतों की वजह से या किसी भी अन्य कारण से उनको प्रॉब्लम हुई हो, उनको एक दिन का और मौका मिला है। आज के दिन वो निर्धारित प्रारूप पर जो जो चीज़ें आपकी मांगी गई हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेते हुए सारा कुछ डिटेल आप आज के अप्लाई कर सकते हैं।
अगली अपडेट है कि एनटीटी और डीपीएड जैसे कोर्स में सीटों से भी कम मिले हैं आवेदन, नौकरी नहीं तो शिक्षक भर्ती कोर्स भी हाशिए पर है। डीएलएड की 1,32,000 सीटें रह गई हैं खाली, नौकरी न मिलती देख युवा शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रमों से दूरी बना रहे हैं। प्रशिक्षण सत्र 21-22 में प्रवेश के लिए एनटीटी जिसको आप डीपीएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री प्री एजुकेशन और डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन में सीटों से भी कम आवेदन मिले हैं और सीटी नर्सरी में भी उम्मीदों से कम आवेदन हुए हैं। और ये स्थिति तब है जबकि परीक्षा नियोग प्राधिकारी कार्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 1 महीने बढ़ाकर 13 अक्टूबर कर दी गई थी। और ये इसीलिए है क्योंकि नई शिक्षक भर्ती की कहीं भी सुगबुट नहीं है। और अगली अपडेट है कि समूह ग भर्ती के लिए पीईटी परिणाम जल्द है, 30,000 पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसको आप पीईटी बोलते हैं उसका परिणाम जल्द जारी करने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अधिकतर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक परिणाम जारी होने के बाद भर्ती के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा और इसके बाद 30,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराई गई है और इस परीक्षा में शामिल होने वालों ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और 20 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। अब देखने वाली बात यह है कि इसका रिजल्ट आने के बाद कितने अभ्यर्थी मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।